दोस्तों साल 2023 में छत्तीसगढ़ के सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 2023 में सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट पाटन विधानसभा सीट जिसमें सबकी नजरें रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में होने वाले साल 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर से पाटन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा की तरफ से दुर्ग सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दोनों उम्मीदवार रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। दोस्तों पहले तो यह मुकाबला चाचा और भतीजे के बीच होने वाला था पर अब यह मुकाबला तीन तिगड़ा हो चुका है। दोस्तों यहां से पाटन विधानसभा क्षेत्र से अजीत जोगी पार्टी के अध्यक्ष मतलब जनता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने भी यहां से नामांकन भर दिया है। तो अब यह मुकाबला तीन तिगड़ा हो चुका है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद विजय बघेल और जनता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी के। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल ने कितने बार पाटन विधानसभा सीट से आमने सामने आ चुके हैं और किसने इस सीट पर ज्यादा बार चुनाव जीता है और किस उम्मीदवार की पाटन में अच्छी पकड़ होने वाली है। इस वीडियो में सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। पाटन से 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, पहले लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। वर्ष 2008 में उन्हें पराजय झेलनी पड़ी थी, उसके बाद लगातार 2 बार उन्हें जीत मिली है। इस तरह से वह कुल 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इस बार उनका पाटन में यह 7वां विधानसभा चुनाव होने वाला है। वह पिछले बार पीसीसी अध्यक्ष के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। और दोस्तों वहीं बात करें हम सांसद विजय बघेल की तो प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाले सांसद के अलावा 3 बार पाटन से विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें वे 1 बार चुनाव जीतने में भी सफल रहे हैं। पाटन विधानसभा के लिए उनका 4था चुनाव होने वाला है। विजय बघेल की कुर्मी समाज में कार्यक्रम में काफी ज्यादा सक्रियता देखने को मिलती है। मौजूदा प्रतिद्वंदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वह साल 2008 में 1 बार चुनाव हरा चुके हैं। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तो उनके क्षेत्रों के मतदाताओं से उन्हें वर्षों पुराना जुड़ाव रहा है और उनके सभी मतदाताओं से लगभग नजदीकी संबंध रहे हैं। पिछले सालों में क्षेत्र में जबरदस्त विकास कार्य उन्होंने किया है मुख्यमंत्री के तौर पर और पाटन में काफी सारे काम भी उन्होंने किए हैं। और इससे पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने विजय बघेल को वर्ष 2003 और 2013 में और 2018 में पराजित कर चुके हैं। अब इस चुनाव में 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है तो अब देखना यह होगा कि 3 तारीख को किसके पक्ष में रिजल्ट आता है। क्या अमित जोगी वहां से भूपेश बघेल और विजय बघेल को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे? क्या वो अपनी जमानत बचा पाएंगे या फिर वह जीत कर विधायक बन जाएंगे? अमित जोगी ने कहा है कि वे छत्तीसगढ़ में पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि उनके पास और भी कई विकल्प थे। चाहते तो वह किसी भी सेफ सीट से चुनाव लड़ सकते थे लेकिन उन्होंने दुर्ग जिले के पाटन से ही चुनाव किया क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जीतते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7वीं बार पाटन से चुनाव मैदान में है तो वही अमित जोगी पहली बार दुर्ग जिले के पाटन से चुनाव लड़ेंगे। अमित जोगी ने नामांकन भरते हुए कहा कि वो भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।